फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आपको नारियल किस तरह और कैसे छीलना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये नारियल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो ऊपर का छिलका था वो मैं पहले से ही उतार चुकी हूँ। उसे आपको नॉर्मल इसी तरह से उतारना है जैसे कि हम उतारते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसे फोड़ कर निकालते हैं तो हमारा नारियल बिल्कुल नहीं निकल पाता है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम इनकी तीन आँख होती हैं, उनमें से दो आँखों में छेद कर लेंगे क्योंकि हमें इसका जो इसके अंदर पानी है वो निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसका पानी निकालूंगी। देखिए, आप देख सकते हैं इसमें छेद हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा पानी नहीं निकलता है लेकिन एक कप पानी आपका आराम से इसमें से निकल जाएगा क्योंकि आपका नारियल फ्रेश है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका नारियल बिल्कुल खाली हो चुका है। मैंने सारा पानी अपनी इस कटोरी में निकाल लिया है और अब इस पानी को आप छानकर पी सकते हैं क्योंकि नारियल का पानी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये पानी जो कि हमारा नारियल से निकला था उसे मैं छान लेती हूँ और इस पानी को आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है। इस पानी को आप पी लीजिएगा क्योंकि पानी, नारियल का पानी हमारी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, अब इसका छिलका उतारने के लिए हमें गैस की आवश्यकता होगी क्योंकि हमें इसका छिलका उतारने से पहले इसे गैस पर गर्म करना होगा। धीरे धीरे ये खोल गर्म होगा तभी हमारा नारियल अंदर से खुद ब खुद छूट जाएगा। बता दे इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर पेचकस डाल लिया है क्योंकि सबके पास चिमटा वगैरह नहीं होता कि इसे हम पकड़ सकें। पेचकस सभी के घर में अवेलेबल होता है तो इसलिए आप इसके अंदर पेचकस डाल दीजिएगा। जो छेद मैंने किया था उसके अंदर मैंने पेचकस को डाल दिया है और धीरे धीरे हम चारों तरफ से इसे गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक यह अंदर से हमारी गिरी अच्छे से ना छूट जाए क्योंकि चारों तरफ से ये खोपरा अलग हो जाएगा और हमारी जो अंदर का नारियल है वो भी अलग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी के गर्म होने की एक ही पहचान है कि इसमें धीरे धीरे क्रैक आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्रैक आ चुकी है। आपको इसे तब तक गर्म करना है जब तक आपके नारियल पर इस तरह की क्रैक ना आ जाए। अब मैं इसे उतार लूँगी अपनी गैस से और अपनी गैस को ऑफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा नारियल क्रैक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से क्रैक हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा अपने छालने की सहायता से इसे थोड़ा सा पूछ लेंगे। अब मैं इसे धीरे धीरे तोड़ूंगी। आपको धीरे धीरे इस पर इसी तरह वार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं हमारे नारियल का छिलका बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा नारियल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो फ्रेंड्स, नारियल छीलने के लिए हमें किन किन हथियारों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए पेचकस, अगर आपके पास छोटा पेचकस हो तो वो भी ठीक होगा। और फ्रेंड्स, ये हथौड़ी, अगर हथौड़ी की जगह आपके पास प्लास हो उससे भी बहुत ही अच्छे से आपका नारियल निकल जाएगा। और ये मैंने चाकू लिया है। चाकू की सहायता से आपको जो ऊपर का छिलका होता है जो कि मैं पहले से ही आपको उतार कर दिखा चुकी थी वो आपको चाकू की सहायता से ही उतारना है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगली एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।